गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 19th और आज है हमारा 4th डे। तो वेलकम बैक टू चैनल और होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे। तो अभी सुबह के बजे हैं ऑलमोस्ट 10 o'clock। आज थोड़ा लेट उठे थे, जाने का प्रोग्राम था मगर कैंसिल हो गया, आज यहीं स्टे कर रहे हैं। बीइंग ए संडे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है, 4-5 घंटे का अगर ट्रैफिक मिलता है तो कोई जाने का फ़ायदा नहीं है, तो आज हम यहीं रुकेंगे और कल सुबह हम फिर वापस दिल्ली के लिए निकलेंगे। अभी नाश्ता करते हैं और नाश्ते के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। अपन जा रहे हैं अब सत्ताल घूमने के लिए, पास में ये 15 किलोमीटर है, तो फिर सत्ताल जाके या फिर रास्ते में एक दो वीडियो आपको दिखाते हैं और आगे सत्ताल पे मिलते हैं फिर आप। और समस्या फिर सामने आ गई, और समस्या कौन सी? पार्किंग की। तो भैया भीड़ है, संडे है, पार्किंग मिले ना मिले, पहुंच तो गए हम ऑलमोस्ट, 2 मिनट बता रहा है, 350 मीटर आगे बिल्कुल। वैसे ये लेक है सामने ही, अब ढूंढ रहे अपन पार्किंग, देखते कहाँ मिलती है भाई। तो दोस्तों अपन पहुंच गए सत्ताल और गाड़ी हमने पार्क कर दी है यहाँ पे। थोड़ा सा टाइम लगा, 5-7 मिनट थोड़ी लगी हम लोगों को, मगर पार्किंग मिल गई। थैंक्स अ लॉट पार्किंग वाले भैया जिन्होंने हमें बोला, डायरेक्शन दिया कि आप प्लीज़ आगे जाइए, वहाँ पे आपको जगह मिल जाएगी। और सराउंडिंग आप देखिए बड़ी अच्छी है, ठीक है। अभी अभी हमने बिल्कुल एंट्री की है और गाड़ी पार्क की है, अभी लेक पे चलेंगे और लेक पे जाने के बाद फिर मैं आपको आगे की चीज़ें दिखाता हूँ। बड़ा ब्यूटी यार, हम सत्ताल में आ गए हैं और सत्ताल इसको इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे 7 ताल हैं तो इसका नाम सत्ताल रखा गया है। वो काफ़ी बड़ा है और बहुत ब्यूटीफुल है यार, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। लग रहा है इस वाली बोट में तो भाई छेद हो गया है, तो इसमें भर गया पानी और ये काफ़ी बोटें यहाँ पर ख़राब पड़ी हुई हैं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है किसी भी बोट वाले के लिए ना, बिकॉज इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है। एक बोट की कॉस्टिंग अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 4-5 लाख रुपया मिनिमम होती है, जो मैंने पूछा था। और बल्कि भीमताल में तो ये भी बताया था कि अच्छी अगर बोट आप बनवाते हो तो इट विल कॉस्ट 9 लाख रुपीज़। देव 9 लाख? ओके। तो बच्चों ने हमें बोला कि क्याकिंग करनी है और देखिए अभी क्याकिंग कर रहे हैं, तो अपना लगे हुए खुद से यहाँ, बड़ा अच्छा है ये क्याक है यहाँ पे। और अच्छी बात ये है कि ये बड़ी सेफ है और बच्चे बड़े आराम से इनको कर सकते हैं। नहीं, कैसे मार रहा पत्थर भैया?
ओके, ये जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही हैं, तो ये पीके हैं, ठीक है, और ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़, और मेरे बच्चों को भी इन्होंने ही कराया, और बड़े सेफली इन्होंने क्या कराया, और सेफली इन्होंने उनको स्विमिंग कराई है, और वापस आ गए हैं। तो कभी अगर सत्ताल की तरफ आ रहे हो तो यूज करो, है ना, मैं नंबर इनका नीचे डाल दूंगा, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके जी, हम आ गए हैं अपने होम स्टे में, और सत्ताल घूमने गए थे, तो अब 5:29 हो चुके हैं, अब थोड़ा आराम करेंगे और फिर उसके साथ उसके बाद में बच्चों के साथ मस्ती करेंगे। मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल, और आज हमारा है 6th डे, और आज हम जाने की कर रहे हैं फाइनली तैयारी। बारिश होके हटी है, तो बहुत बेहतरीन मौसम हो गया। बारिश होने के बाद में होता है कि सब कुछ ग्रीन 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 दिखाई देता है, और वही यहाँ पे हो रहा है। औसम नज़ारे भाई, औसम नज़ारे मैं दिखाता हूँ आपको। अब पूरी घटा है, काली घटा, और किसी भी टाइम फिर दोबारा बारिश हो सकती है। सामान तो हमने भाई पैक कर लिया है, अब गाड़ी में अपनी गाड़ी वो खड़ी हुई है, अपना गाड़ी में रखेंगे और बैक टू दिल्ली। मन तो नहीं कर रहा, पर जाना पड़ेगा भाई, काम धंधा है सबका। भाई अब हम निकल चुके हैं दिल्ली के लिए, आज छठा दिन है, छठे दिन में हम जा रहे हैं। टाइम हुआ है 10:50 के आसपास, और वही 7 घंटे लगने वाले हैं। आज भारत बंद भी है, वो भी देखना पड़ेगा कि भारत बंद को हम कैसे टैकल करेंगे। बाकी देखते हैं, नो इशू, आराम आराम से जाएंगे, और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो फिर वापस आ जाएंगे रहने के लिए। तो अभी चलते हैं हल्द्वानी में, हमने खैर पता कर लिया, हल्द्वानी तक तो सब कुछ ठीक है, वो अग्निपथ के चक्कर में जो हो रहा है वो सारा कुछ वही है। चलिए मिलते हैं रास्ते में फिर दोबारा हम आपको, और औसम प्रॉपर्टी भाई, औसम प्रॉपर्टी। अभी चले ही थे 10-15 किलोमीटर, और यहाँ पे भुट्टा वाला हमें दिखाई दे गया, तो अब जरा भुट्टा बनवा रहे हैं अपने लिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और तब तक आप नज़ारे देखो जब तक भुट्टा बुनता है, और हम भुट्टा खाते हैं। और बस अभी 2 मिनट के ब्रेक के लिए रुके थे, तो यहाँ पे ये व्यू देख रहा हूँ, क्योंकि अब पहाड़ों से तो बाय बाय होने वाली है, तो ये लास्ट व्यू है पहाड़ों का, क्योंकि हम लोग अब हल्द्वानी पहुँचने वाले हैं। काठगोदाम ऑलरेडी हमने क्रॉस कर लिया है, नाउ दिस रोड इज़ गोइंग टू हल्द्वानी, और बहुत औसम नज़ारा है। और दूसरा ना यार, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मस्त एकदम, जिसको बोलते हैं, आई होप आप बादल देख पा रहे होंगे ऊपर ना। तो बाय बाय माउंटेन्स, फिर दोबारा मिलते हैं आपसे।
ओके फ्रेंड्स, मैं घर पहुंच चुका हूं और गाड़ी का ये वाला ट्रिप रहा है समवेयर अराउंड 900 किलोमीटर और ऑन एन एवरेज इस 900 की जो एवरेज आई है, जो माइलेज आई है वो आई है 14.2। दिस इज़ वेरी गुड। ठीक है, इसमें हिल्स भी हैं, इसमें प्लेन्स भी है और आपने देखा ही है कि गाड़ी तो मैंने हर जगह छोड़ा नहीं है कुछ भी, तो अच्छा रहा, ओवरऑल ट्रिप अच्छा रहा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर ट्रिप, एंटायर सीरीज। और दोस्तों, अगर मेरी सीरीज, मेरे वीडियोज अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ यार, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और जो बेल आइकन वाला बटन है उसको प्रेस कीजिए, सो दैट कि आपको मेरे आगे वीडियो मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, या तो कहीं घुमाते हैं या फिर कुछ खिलाते हैं। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।